आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक के बारे में। अशोक लेलैंड के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक में बात करें हम देखेंगे जो स्टॉक है ये पहले हमको यहाँ पर लगातार एक अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार एक रेंज दिखाई दे रही है। हमको यहाँ पर स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक 169 का जो लेवल है इसको यहाँ पर ब्रेक करता है तो इसके बाद हमको फिर स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 175, अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक में 180, इसके बाद हमको स्टॉक में 187 और इसके बाद हमको स्टॉक में 200 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस भाई। यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावटी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 161 का पहला सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो 158 और फिर इसके बाद हमको स्टॉक में फिर 155 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।